लगातार हो रहे ट्रांसफर के बीच पूर्व कांस्टेबल नंद कुमार चौहान ने गृह मंत्री बाला बच्चन को फोन कर आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व कांस्टेबल और गृह मंत्री के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं वायरल वीडियो में क्या कुछ कहा कांस्टेबल नंद कुमार चौहान ने। हेलो हेलो सर, नमस्कार। माननीय गृह मंत्री महोदय से बात हो रही है? हो रही है सर। नमस्कार सर, मेरे को एक दो मिनट आपसे बात करनी थी। मेरे बंगले पे लगाओ ना, तुम मैं तो भूल जाऊंगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा। नहीं सर, कुछ बताना था, कुछ ऐसा विशेष अपील टाइप का कोई मैटर नहीं, बस एक थोड़ा सा जो सर अभी जो पुलिस की कार्यशैली पे जो सवाल उठ रहे उनसे संबंधित दो मिनट बात करनी थी आपसे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सर नंद किशोर चौहान बोल रहा था सर, नीमच से। कहाँ से बोल रहे हैं? नीमच से सर। बोली हाँ सर, मैं यूँ कह रहा था कि जैसे कि वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में जैसे कि पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस लाइन आर्डर ढंग से नहीं कर पा रही, तो सर उसका सबसे मेन रीजन ये है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 400 से 500 आईपीएस है वर्तमान में। ठीक सर, 400 से 500 आईपीएस है? जी सर, आईपीएस। तो उनको प्राथमिकता सरकार के द्वारा ये है कि उनके बंगले पे या उनके कार्य करने के लिए जितने भी कर्मचारी दिए जाते हैं वो 4 से 5 से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन सर आप मध्य प्रदेश में आप जहाँ चाहे वहाँ देख लीजिए, हर अधिकारी कम से कम 20-20 बंगले पे आदमी लेके कार्य करवा रहा है। तो फिर वो जो बंदे फील्ड में वर्क करने के लिए सरकार भर्ती करती है उनको वो अपने बंगले पे कार्य करवाते हैं, तो सर लाइन आर्डर तो वहाँ मिसयूज होगा। और रही बात थाने वाले, क्या है कि फर्स्ट एड रहते हैं, किसको क्या जवाब देने में आ जाता है, फिर पब्लिक मुद्दा बना लेती है। तो उसमें रीजन ये आता है कि कहीं ना कहीं थाने वाले क्या रहते हैं? थाने वाले सर फर्स्ट एड रहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ड्यूटी रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा किसी आईपीएस ने आरक्षकों से परेशान होकर आत्महत्या की है, जबकि हमेशा छोटे कर्मचारी आईपीएस से परेशान होकर कुछ ना कुछ करते हैं। और आपने जब आप विपक्ष में थे सर तो आपने विधानसभा में भी पुलिस की आत्महत्या के अच्छे खासे प्रश्न उठाए थे, तो हमें कहीं कहीं उम्मीद थी कि आप गृहमंत्री बने तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन सर अभी तक हो नहीं पाया। करूंगा, मैंने कल से बैठक शुरू की। मैं तुम्हारे ये उज्जैन संभाग में आता है ना तुम्हारा जिला? जी नीमच में आता है सर। तो बस मैं जब आप विधानसभा विपक्ष में जब आपने क्वेश्चन उठाए थे तो मुझे कहीं कहीं फील हुआ था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है और अगर आप गृह मंत्री बनते हैं तो मेरे को लगा था कि पुलिस के लिए कुछ अच्छा होगा। तो सर जैसे कि ये कार्य प्रणाली पे जो सवाल उठते हैं ना उसमें मैं जो आरक्षक है मैंने कल से स्टार्ट किया है। हाँ सर, तुम कहाँ पर आरक्षक हो? सर मैं आरक्षक था लेकिन मैंने पुलिस की जॉब छोड़ दी, इसी कारण छोड़ दी कि जो बड़े अधिकारी है ये इतना मिसयूज करते हैं इन छोटे कर्मचारियों का, हद से भी ज्यादा। अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओ तो हमें तुरंत सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट कर देते, कोई मतलब नहीं निकलता सर किसी से शिकायत करने। मैंने तुमको कैसा पकड़ा कि तुम कहाँ आरक्षक हो? नहीं तो सर आपको पता है ना किसी का दर्द तो वही जान सकता ना, लोहा लोहे को काटता है तो आरक्षक आरक्षक को काटेगा ना सर। मैंने एक मिनट की बात मैंने तुम्हारे के साथ तो सर इसीलिए तो मेरे को बड़ी उम्मीद थी आपसे कि अगर आप इस विभाग में हैं तो कहीं के कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए सर मैंने डायरेक्ट आपको कॉल मिलाया बिना किसी डर के। ठीक है बिल्कुल, और मेरे से तुम बात कर सकते हो। चलो इससे ये बात हुई। जी सर, आईपीएस के बंगले से ड्यूटी? हाँ सर, सर मध्य प्रदेश में मिनिमम 400 आईपीएस है। अरे सुनो जी, एक तो आईपीएस के बंगले पे ड्यूटी, दूसरी चीज ये बोला कि आईपीएस की तरफ से जो आरक्षक और पुलिस कर्मी जो आत्महत्या करते हैं या प्रताड़ित होते हैं। दूसरा बिंदु मैं कर रहा हूँ। हाँ सर, कल मैंने आईटी संभाग उज्जैन की बैठक रखी है। हाँ हाँ, ये बात मैं डालूंगा। तीसरा और तुझे सर इसके अलावा अगर आपको इन दोनों चीजों के एविडेंस की, और तीसरी बात यह है कि जितने भी आईपीएस है सरकार द्वारा इनको केवल रेलवे की सुविधा जो उसमें जो पास आस रहता है और चिकित्सा सुविधा के अलावा कोई भी अदर चीज की प्राथमिकता नहीं कि उनके परिवार को उन चीजों का फायदा मिले, लेकिन उनके आरक्षकों से वो बच्चों को स्कूल छुड़वा रहे हैं, क्या पत्नी कहाँ बाजार जा रही तो आरक्षक लेके जा रहे हैं, उनकी पत्नी को हम सैल्यूट मारे, ये कहाँ का रूल है सर? अच्छा, वो उनकी पत्नियों को सैल्यूट मारना पड़ता है, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ये कोई रूल में नहीं आता। जबकि शासन, मैंने आईटीआई से पुलिस विभाग से सर जानकारी निकाली, उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनके, यहाँ तक कि उनके बंगलों पे अगर कर्मचारी कोई खाना बनाने के लिए भर्ती होता है ना तो उनकी पत्नी का खाना नहीं बनाएगा, केवल आईपीएस। हम तो उस पद को सम्मान देते सर, आप आज मिनिस्टर है, हम आज आपको सम्मान देंगे उस पद के कारण, आपको सैल्यूट करेंगे, लेकिन कल नहीं करेंगे अगर आप उस पद पे नहीं रहे तो। सही बात, मैं जानता हूँ। तो सर बस मेरी ये निवेदन था आपसे, हालांकि मैं तो नहीं हूँ विभाग में। उनकी पत्नियों का, उनके बच्चों का क्या बोल रहे हो कि उनकी पत्नियां क्या कराती हैं? उनके पत्नियां घर पे जैसे कि कुछ भी ऑर्डर देती है हमें, जबकि उनको कोई ऐसा रूल नहीं है शासन की तरफ से कि वो हमें कोई ऑर्डर दे सके ये करो वो करो, प्लस उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। मेरे पास सारे एविडेंस, अगर आप कार्रवाई करने की आज मुझे वो करें तो मैं सर आपको सारे एविडेंस ला के दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं सर। तो सर मेरी ये जो पीड़ा थी, मैं विभाग में नहीं हूँ इसलिए खुल के बोल पा रहा हूँ, अगर मैं विभाग में होता तो अभी मेरा आर्डर निकल जाता सस्पेंड का।
ओके सर, एक छोटा, हाँ सर, एक छोटा सा निवेदन था सर मेरा। हाँ सर, मेरी जो है आपसे बात हुई, मैं चाहता हूँ कि जितने भी छोटे कर्मचारी जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, मैं उनको सेंड कर सकता हूँ, ताकि उनको लगे हाँ गृह मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया है सबको। उनको क्या कर सकते हो, मतलब ये उनको बता सकता हूँ, देखो ये बात हुई है और गृह मंत्री जी कहीं कहीं अपने लिए कुछ अच्छा करने की करिए, तो उनके मन में सर एक अच्छी भावना आएगी। कल कल हो जान दो जेल में, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? नंदकिशोर चौहान नाम है सर, नीमच का रहने वाला हूँ सर। नंदकिशोर करूंगा मैं, ठीक है जी सर। फिर मैं कभी आपसे मुलाकात करूंगा, ठीक सर।